आज हम किचन की सफाई कर ही रहे थे कि उतने में हमें खीर का ऑर्डर आया, और खीर बनाने के लिए हमें लग रहा था दूध। सो मैं दूध लेने के लिए अपनी बड़ी नानी के घर गया। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बड़ी नानी के यहाँ क्यों गया। इसलिए गया क्योंकि उनके यहाँ भी जो है गाय पली हुई है, और उनके यहाँ शुद्ध दूध आता है और उसमें कोई मिलावट नहीं रहती, क्योंकि क्या घर के यूज़ के लिए रहता है। सो मैं मार्केट से लेने के बजाय मैं उनके यहाँ से लेके आता हूँ, अगर ऐसा कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो। और फिर उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, देखिए कितना डिफरेंस है जो हम बाहर का दूध लेते हैं और इस दूध में। और इसी के बाद अब मैं खीर बनाने की तैयारी शुरू करता हूँ। और इसी के साथ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक वीडियो अपलोड की थी पुरानी, उसमें हमें कुछ कमेंट भी आया था। और जैसे कि आप रेगुलर वीडियो नहीं डालते हैं और इस टाइप का, अब जो लोग भी हमारे फैमिली से जुड़े हैं और जो हमारे वीडियोस भी देखते हैं, सबको पहले तो दिल से शुक्रिया, और हमारे साथ जुड़े रहें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करें। और इसी के साथ साथ हमारे लिए तो कस्टमर हों या फिर हमारे व्यूअर्स हों, सबका सेटिस्फेक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हम ये भी जानते हैं कि हम 100% सेटिस्फाई तो कर नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने भी स्टार्ट किया 75 हार्ड डेज चैलेंज। तो इसका मतलब यह है कि हम 75 डेज तक रेगुलर वीडियोस डालेंगे, डेली एक वीडियोस तो मिनिमम डालना ही डालना है। और इसी के साथ साथ भले ही वो ज़्यादा हो सकती है एक वीडियो से, मगर मिनिमम एक वीडियो तो हम डालेंगे ही डालेंगे 75 डेज तक बिगैर रुके। अगर यदि एक भी दिन गैप हो गया तो मतलब समझ लीजिए चैलेंज खत्म हो गया, फिर से हमें रिस्टार्ट करना पड़ेगा इस चैलेंज को। और इसमें हम रेसिपीज़ की भी वीडियो अपलोड करेंगे, और हम अपने किचन से रिलेटेड जो जो होता है हम करते हैं किचन में, हम सारी वीडियो डालेंगे। तो अगर यदि आप हमारे परिवार में भी नहीं जुड़े हैं तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़ जाएं हमारे परिवार के साथ, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।